और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की अयोध्या की, जहां राम की नगरी में आसाम से आए हुए मूर्ति कारीगर नारायण चंदा ने बताया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। इस कड़ी में मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए राम द्वारा किए गए लीला पर आधारित मंदिर को संवारने के लिए आसाम से आए मूर्ति कारीगर नारायण चंदा और उनके पुत्र के द्वारा मूर्ति निर्माण का काम तेजी से किया जा रहा है। आइए जानते हैं मूर्ति कारीगर ने क्या कहा है इस खास रिपोर्ट में। विराट 24 न्यूज के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। नारायण चंद्र मंडल, हाँ, हम आसाम से आए हैं और 2015 में हम यहाँ में आए। सिंगल जी ने चिट्ठी लिखी, फोन किए है, फिर भी हमारा लड़का ने बताया था, बोले हमारा पिताजी को लिया ये तब तो और अच्छा होगा। तो हम थोड़ा जब मैंने जो कांटेक्ट करते थे वही भी हम छोड़ छाड़ के यहाँ में आ गया, तो यही में आके यहाँ से पकड़े हैं जो राम मंदिर का काम है, राम कथा कुंज का काम है, तो ये प्रसंग बनाना है। अभी देखिए राज्य पुत्रष्टिक जग से अभी तक सीताहरण तक हम लोग लगभग तैयारी हो गया, फिर भी और 14-15 पकड़े हैं, वो खाली छाचा बन रहे थे। और ये मूर्ति लगेगी आपका राम मंदिर का चारों तरफ लगेंगे, हम तो सुने हैं, और फिर भी मैंने घोषणा भी हो गया ये राम मंदिर में लगेगा, तो ही एक म्यूजियम की तरह होगा, ऐसी सूचना है हमारा। हम तो 2013 से हमारा लड़का काम कर रहे थे, तो फिर थोड़ा भवाल हो गया था, फिर भी 2013 से ये दो स्कीप बनाया और हम 15 में आया। ये बस यही पकड़े है, यही तरफ से पकड़े काम कर रहा है। नहीं, हम लोग का थोड़ा तो कम, थोड़ा कम बेस तो थोड़ा मिलते हैं, लेकिन क्या करें, तो राम भगवान का जो इच्छा है और जो हम लोग का भी कोई पुण्य का कोई जन्म में हम लोग पुण्य का काम किया था, यही काम के लिए जो भगवान ने चुना है हम लोग का, तो इसलिए हम लोग आ गया इधर। और हमारा लड़का का जो हाथ से द्वारा से ये होगा, ये तो बहुत पुण्य के काम है, ये तो कोई जन्म का पुण्य के काम हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ में आ गया राम की इच्छा से।